इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड में ओडीआई और टी20 सीरीज दोनों जीतने के बाद अब निकल पड़ी है अपने कैरेबियन टूर के लिए। लेकिन कैरेबियन में जो जो प्लेयर्स जा रहे हैं उनके लिए आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे का वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर अभी सवाल बने हुए हैं। कैरेबियन टूर को एक तरह से काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए ट्रायल टूर भी समझा जा रहा है, क्योंकि इसी साल अक्टूबर नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप होना है कंगारुओं की धरती पर, और वहां पर कौन सा प्लेयर पहुंचेगा, कौन सा बाहर बैठेगा, ये अभी तय होना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वेस्ट इंडीज दौरे पर कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं। अगर टी20 टीम की बात की जाए तो इंडियन टीम में होंगे रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है, उनके साथ ही सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, अश्विन, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। तो ये तो है हमारी टी20 टीम। लेकिन वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम 5 टी20 मुकाबलों के साथ साथ ODIs भी खेलेगी। टी20s होंगे 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच और भारतीय टीम इस दौरे पर 3 वनडे भी खेलेगी, जिनके लिए शिखर धवन को कैप्टन नियुक्त किया गया है। लेकिन हम वापस लौटते हैं और बात करते हैं हमारी टी20 टीम की। टी20 मुकाबलों में 2 की प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया के साथ इस दौरे पर नहीं जा रहे हैं। वो 2 की प्लेयर्स हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में विराट कोहली और बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह। अब विराट कोहली का केस दिन ब दिन क्यूरियस होता जा रहा है। विराट कोहली को इस दौरे के लिए रेस्ट दिया गया है और अब ये रेस्ट विराट कोहली का उन सभी प्लेयर्स के लिए टेस्ट साबित होगा जो अपने लिए नंबर 3 के स्पॉट पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली के लिए हो सकता है ये रेस्ट एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह साबित हो, क्योंकि अगर उन्हें रेस्ट मिल गया और वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए, सही फॉर्म में आ गए, तो फिर टी20 जो वर्ल्ड कप होना है उसमें विराट कोहली की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये अगर मगर के सिलसिले में काफ़ी सारे करियर्स जो हैं बनेंगे भी, आने वाले महीनों में बिगड़ेंगे भी। तो आइए कुछ ऐसे प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं जो नंबर 3 के लिए विराट कोहली को चुनौती दे रहे हैं। नंबर 3 के प्रबल दावेदारों में दीपक हुड्डा शामिल हैं, जिन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के खिलाफ खेले गए 2 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 68 की औसत से 137 रन बनाए थे, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। वहीं अगर विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में किसी प्लेयर को मौके मिले हैं तो वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस स्लॉट में 9 मुकाबले खेल चुके हैं और तीसरे नंबर के लिए लगातार नॉक कर रहे हैं सेलेक्टर्स के दरवाजे पर। नंबर 3 पर खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने 64 की औसत से 323 रन बनाए हैं। वहीं नंबर 3 पर खेलते हुए 6 मुकाबलों में 176 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव भी नंबर 3 के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ऐसे में वेस्ट इंडीज का जो ये दौरा होने वाला है इसमें कई खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला हो सकता है। लेकिन कौन आखिरकार इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप की टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, ये तय होना अभी बाकी है। हम सब इन मुकाबलों पर नजर बनाकर रखेंगे। आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा और नंबर 3 की इस रेस में आप किसे आगे पाते हैं ये लिखकर मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।